क्या बिजली चमक रहा है, क्या बारिश हो रहा है, खतरनाक घर का पैरी के धार। तो ये है खूटा घाट डैम। गणेश चतुर्थी होता है उस टाइम बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो एक बार यहीं पे एक हादसा हुआ था जिसको रेस्क्यू किए थे हेलीकॉप्टर से। यही होता है रॉयल एनफील्ड की जब बाइक लेते हो तो। राइड करके आ रहा हूँ अभी, 105 किलोमीटर है रायपुर यहाँ से। वो तो कैसे बना वही जानेंगे हम लोग। तो गाड़ी को पकड़े हुए देखो इस तरह से झुका के। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। माई के घर से व्लॉगिंग आज फिलहाल से रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ। क्या नहीं कुछ नहीं खाऊंगा, मस्त लग रहा है यार बाइक। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? हेलो नमस्ते जय जोहर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। ये बाइक देख रहे हो, ये है रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS4 वर्जन। यहाँ से राइड है बिलासपुर के लिए। मीटअप पॉइंट में सब आ चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धी रॉयल्स भिलाई सुपेला, और हमारे साथ आज नम्रता मैम भी आई हुई है और बहुत सारे राइडर्स हैं अभी। वो सब जाएंगे, ज्वाइन करेंगे राइड। और अभिषेक भाई, हेलो ब्रो, कोमल, हाय, नम्रता मैम फ्लैग ऑफ करने के लिए आई है। रिपब्लिक राइडर्स का टी शर्ट पहन के देखो। अपना ग्रुप हमेशा ऊपर रहेगा। यस, और भी भाई लोग हैं जो ज्वाइन करने वाला है। विष्णु, विशु, विशु यूट्यूबर है। हाँ भाई, ये तो गेट अकेडमी अद्भुत। और भी सारे लोग हैं। हेलो सर, यहाँ पे सब लाइन अप हो रहे हैं और साथ में अपनी बैकअप व्हीकल भी चलेगी, मतलब बैकअप बाइक बोल सकते हो, व्हीकल तो नहीं। आज मैं चलाने वाला हूँ ये वाली बाइक स्क्रैम, जो 4111 जो लॉन्च हुई है रिसेंटली, वो चलाऊंगा मैं। अभिषेक भाई चलाएंगे हिमालयन, जो मैं चला के आया, बट मेरे को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है भाई। ऑब्वियसली ऑब्वियसली स्क्रैम आपको सिटी के लिए अच्छी है, लॉन्ग राइड में भी, सिंगल में अच्छी है। पीछे ना पिलियन जैसे बैठाऊंगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। अरे बदल लेंगे बीच बीच में, बदल बदल के चलाएंगे क्या। चलो ठीक है। तो यहाँ पे अभी राइड ब्रीफिंग होने वाली है और कुछ कुछ टेक्नीशियन है जो थोड़ा गाड़ी के बारे में बताएंगे, चैन लुक कैसे करना है, कुछ फॉल्ट आ गया तो क्या क्या करना है, थोड़ा सा ब्रीफिंग होगा। थी ऑल इंडिया राइडर नम्रता मैम, लेकिन कुछ कारणों से नहीं जा पा रही है। कोई नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। बट आप सभी लोग को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, नेक्स्ट मंथ मैं ऑल इंडिया राइड 2.0 पे निकल रही हूँ, तो आप सभी को आना है। जो भी दूर भिलाई रायपुर के हैं वो प्लीज़ फ्लैग ऑफ के लिए ज़रूर आए। डेट मैं आप लोग को बता दूंगी। वैसे अभी मैम को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें शायद जानकारी मिल जाएगी, अपडेट कर देंगे। तो मेरा फेसबुक इंस्टा आईडी है Namo2111 एंड अभी टेंटेटिव डेट 1st of August है। सो मे बी ये डिले हो सकता है, सो अगर डिले होता भी है तो 20th of August को होगी। तो फॉलो कर लेना मैम को प्लीज़ प्लीज़। हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है गाइस, और हम लोग निकल रहे हैं। अभी कितने बजे पता नहीं, 8:30-9 बज गए क्या, 8:50। मैं चला रहा हूँ स्क्रैम 411। गाड़ी अच्छी लग रही है बट विंडशील्ड नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा नेकेड टाइप का बनाया, मतलब सिटी पर्पज़ के लिए। मौसम तो है मस्ताना है, बारिश होने की पूरी संभावना। और एक चीज़ है, ये जो टैंक बैग है मैग्नेटिक टैंक बैग, उसको आज मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ फाइनली, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। वैसे रेन गियर वगैरह रखा हुआ हूँ उसमें, और आज मैं यही भी यूज़ कर रहा हूँ अपना, जो क्या बोलते हैं, वाटर ब्लेडर जो है। भाई साहब ये गाड़ी तो ज़बरदस्त है, मतलब ऑफ रोड भी अच्छा कर दे रही है, साइडिंग कर सकते हैं इसमें भी, ऐसा है पूरा हिमालयन ही है ये। थोड़ा डिजिटल मीटर वगैरह दे दिया है और कुछ नहीं, सेम इंजन है BS6। पहुँच चुके हैं चाप और सेंटर पे, और रोमिल सर बहुत इंतज़ार करवा दिए, लेट हो गया बहुत। तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं पोहा चलेगी, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे पड़ते। और यहाँ से यार ऋषभ भाई, हेलो, डोंगरगढ़ के बाद आज राइड हो रही क्या? बहुत टाइम बाद।
और ये नेहा मैम है कंपनी। अभी जो नए राइडर है ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो राइड कर रहे हैं, वो बीच में चले, मतलब थोड़ा आगे चले ताकि उनको पुश करते बने, है ना। कई लोग क्या पीछे हो जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं। हाँ मैं टेल में चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे हो गया चाय पोहा नाश्ता सब, अब निकल रहे हैं आगे। हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर, वहाँ से जाएंगे खूंटाघाट डैम। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, 10 तो यहीं बच चुके हैं। हम लोग उबल रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है, ग्रुप राइड इसलिए थोड़ा लेट होता ही है। ये भाई संडे मार्केट लगा हुआ है इधर, तो हम लोग सोच रहे हैं आगे से निकले क्योंकि यहाँ पर भीड़ तो होगा ही होगा। तो हम लोग जयस्तंभ चौक आए थे भाई, भिलाई से रायपुर जयस्तंभ चौक से नाश्ता करके जा रहे हैं हम लोग आगे। ऐसा है देखो संडे मार्केट, हर माल सस्ते में, हर माल सस्ते में। ये बाइक मस्त है यार, हिमालयन। इसमें थोड़ा पावर बस का कमी लगता है मुझे, बाकी तो ज़बरदस्त गाड़ी है। तो भाई मैं स्क्रैम की बात करूँ, सिटी राइड कैसा है, तो सिटी राइड एकदम मक्खन है, मतलब अच्छे से मैनूवर होता है। थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग हो जाती है, एकदम कॉर्नरिंग तो नहीं बट अच्छा मैनूवर है, एकदम बढ़िया हो जाता है। हाँ हीटिंग इशू थोड़ा हो रहा है, जैसे सिटी में चल रहे थे अभी तो थोड़ा हीटिंग इशू हुआ। ऐसे कैसे होगा, कैमरा संभाले कि फोटो ले बताओ बारिश में। हेलो हाय, हाँ ये अच्छा कर रहा है, फ़ोन से ऐसे लेते रहो भाई। सब रेनकोट पहन रहे हैं, मैं तो नहीं पहनूंगा क्योंकि आगे बारिश नहीं हो रही होगी। बीच बीच में बारिश हो रहा है, बीच बीच में नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं चॉकलेट रखा था यार, उसको खाया नहीं, हो भूख लग रही मेरे को, उसको खा लेता हूँ, वैसे पिघल जाएगा देखो स्नीकर्स। ये भाई स्क्रैम 411 मस्त दिखती है, इसमें लेग गार्ड नहीं आता, ये आता है। टॉप स्पीड इसका 100 अच्छा था, मतलब उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है 100 के ऊपर में। इसको थोड़ा अच्छे से देना चाहिए था लाइट को, एटलीस्ट LED लाइट देना चाहिए था तो अच्छा हो जाता। बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, मतलब इसमें तो भाई ऐसा है कि ये सोफ़ा है सोफ़ा। ये जो है अमर जवान ज्योत, अमर जवान मतलब पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे एक खासियत है कि यहाँ पे चाय कॉफ़ी फ्री में मिलता है, आपका वेलकम्स होता है अच्छे से। और उधर बाथरूम है, बस तो साफ है, आप नहा भी सकते हो ऐसा बाथरूम है वहाँ पे। यहाँ पे रुके हैं हम लोग क्योंकि बारिश यहाँ पे बंद हो गया था, बहुत लोग को गर्मी लग रहा था, रेनकोट वगैरह पहने थे, तो कई लोग रेनकोट निकालें, कई लोग नहीं निकालें क्योंकि बीच बीच में बारिश होगा, बीच बीच में नहीं। इधर हम लोग का टारगेट है सीधा बिलासपुर रुकेंगे, तो अच्छा है यहाँ पे पेट्रोल पंप। जब भी आते हो इस रूट पे ना तो पक्का रुको, यहाँ पे काफ़ी अच्छे पेट्रोल पंप है। भैया कुछ इस तरह से बारिश हो रही है, झमाझम है, रेनकोट पहना नहीं, पहन ही नहीं पाया यार, क्या करूँ बारिश हो रही है इतना। अब रुकूँ तो भी भीग जाऊँगा, और कहीं छाँव पे जाकर रुकता हूँ और रेनकोट पहन ही लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई गीला हूँ। छाँव है, छाँव है यहाँ पे। हाँ के राइडर, के राइडर हाँ, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में हूँ। हो गया सेटअप, निकलते हैं भाई। अब इससे ज़्यादा तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये बंद हो, बारिश होते रहेगा। चले भैया। देखो हो जाएगा तेज बारिश है, ये पूरा वहाँ तक चलेगा लग रहा है, बिलासपुर से और आगे चल ही रहा होगा पूरा, मतलब रेनी राइड करना है। ओ गाइस साहब दिस इज ऑसम। Just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving.
क्या बिजली चमक रहा है, क्या बारिश हो रहा है, खतरनाक। अभी हाई कोर्ट के आगे निकले हम लोग, बिलासपुर पहुंच रहे हैं, झमाझम बारिश हो रहा है, एकदम जूते वूते में पानी चला गया है, क्या बताऊं मैं। बाकी तो ठीक ठाक लग रहा है लेकिन जूते में पानी चला गया है। हर पापरी के धार महानंदी है पार, इंद्रावती है पावे पड़ा। तो ये भैया अरपा नदी और पानी तो बहुत तेज है, हाँ करें मज़ा भी आ रहा है यार। देखो कितने बारिश में चलाए और जो जूता जो भीगा है ना भाई, पच पच आवाज आ रहा है एकदम। अभिषेक ऐसे लग रहा है वो खाने के लिए बुलाते हैं ना भैया, खाना है हाईवे खड़े होके। कटोरा जाने वाला रास्ता ये है, हाईवे है, और इधर से खूंटाघाट डैम जाते हैं और यहाँ से हम लोग आए रोड से, इधर भी से भी जाते हैं। ये कच्चा रास्ता है, ये पक्का रास्ता है। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं उसका वेट कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आया यहाँ पे, जैसे बिलासपुर एंट्री के इतना ज़्यादा बारिश, बीच में तो जो अरपा नदी आया ना उसके बाद इतना ज़्यादा बारिश हुआ क्या बताऊँ मैं, एकदम हवा चल रहा था और तेज़ बारिश, उसके बाद तो कंटिन्यू बारिश। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही रतनपुर के पहले बारिश बंद हुआ, ऑल द पूरा भीग चुके हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम इतना दूर आ रहे हो? एक नंबर अब लगा मानसून वाला राइड। इतनी देर से बोल रहे थे गर्मी है बारिश नहीं हो रहा है, जब हुआ तो ऐसे हुआ कि मजा आ गया। और भाई लोग कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बारिश में सामने से कुछ दिख नहीं रहा था, मजा आ गया ना। नहीं ये मोमेंट जीना चाहिए यार एक दिन की राइड में, तो लंबी राइड है तो चलता है, इसी को तो एंजॉय करने के लिए आया था ना। पूरा चैन लूप था, देखो कैसे हो गया बारिश में, फिर से लूप करना पड़ेगा। बाकी बाइक जबरदस्त है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। ये जो गाड़ी है ना चलाने में इतना मजा आ रहा ना, सैडलिंग करके चला लो यार, जबरदस्त ऑफ रोड है। अपने को इधर से जाना है लेकिन अभी इधर जाएंगे क्योंकि अभी खाएंगे भैया कुछ, पेट खाली लग रहा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अभी टेबल सज गया है, खाली प्लेट है लेकिन पापड़ के इंतजार में, पापड़ पहले आएगा। ये मत सोचना ऊपर बिजली कड़क रही है पेट की गुड़गुड़ाने के बाद। ये भी सही है, मैं बहुत देर से गुड़गुड़ा रहा हूँ, 5:30 बजे से सुबह से उठे। अभी हम लोग बबलू ढाबा में रुके हैं, यहाँ पे लंच और ब्रंच दोनों कर रहे हैं। पापड़ का इंतजार था, पापड़ आ गया, मस्त है यार एकदम, बंजर जमीन पे पानी आ गया। मौसम बड़ा सही था, मजा आया, ठीक था खाना होना। मैं तो चावल नहीं खाया एकादशी, इसलिए आज सिर्फ रोटी और सब्जी। ए बंदर। ये नहर वाले रोड से जाएंगे भाई, देखो 3:30 का भाई, ये है खूंटाघाट डैम। तो भाई ये है खूंटाघाट डैम और यहाँ चढ़ के दिखाएंगे आपको खूंटाघाट डैम कैसे। वैसे एक बार मैं आ चुका हूँ, अभी जून में ही आया था अपने दोस्तों के साथ, बट कार में आए थे और ज़्यादा घूमे नहीं थे, ऐसे ही आए थे बस चले गए थे। यहाँ पे मैंने सामान वामान रख दिया, आंटी के पास दे दिया है और ऊपर चढ़ेंगे। इसमें बोले थे कि गाड़ी चढ़ाना है करके, लेकिन गाड़ी इसमें चढ़ेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे पत्थर है, यहाँ तक चढ़ जाएगा बट वहाँ पे लटक जाएगा। तो ये है खूंटाघाट डैम, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा। और हम लोग ना लास्ट टाइम उस साइड आए थे, उस तरफ वाले में, लेकिन डैम तो डैम है, दोनों तरफ से एक ही दिखता है। तो ये जो पॉइंट जो देख रहे हो ये जगह है थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए और थोड़ा सा व्यू देखने के लिए, यहाँ से जो डैम है और अच्छा दिखता है। तो इस जगह पे आए हैं ऊपर पे, हाँ ये कीड़ा अजीब सा यहाँ पे ऊपर ना मुंडी के उड़ रहा है, क्या कीड़ा है पता नहीं, शायद बारिश हुआ है तो थोड़ा आ गया है। और ये मस्त फोटो खिंचाने की जगह है, तो हमारा फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। यहाँ पे शिवलिंग वगैरह है, अभी एकदम टॉप लोकेशन पे आ गए हैं, हर महादेव। इन लोग गाना वाना चालू कर रहे हैं नाचने के लिए, और यहाँ से व्यू देखो, वाह यार क्या दिख रहा है। इसमें बोटिंग कराना चाहिए लेकिन इसमें बोलते हैं बहुत ज़्यादा मगरमच्छ है तो नहाने भी नहीं देते हैं,
और ये ना सितंबर के महीने में जब गणेश चतुर्थी होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है और बहाव बहुत तेज रहता है, और इसको अंग्रेजों ने बनाया है। अधिक जानकारी के लिए मैडम के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैम चैनल का नाम बता दीजिए, अद्वैत एजुकेशन। अद्वैत एजुकेशन, तो यहाँ के बारे में जीके अच्छे से वो बताएंगे। कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना? आएगा आएगा। पुल के बारे में बात कर रहे थे, ये पुल है फुट ओवर ब्रिज है। जब पानी ओवर हो जाता है ना तो ये पानी अपने ऊपर निकल के बह जाता है। तो एक बार यहीं पे एक हादसा हुआ था जिसको रेस्क्यू किए थे हेलीकॉप्टर से, लास्ट के लास्ट ईयर है शायद। बंदा कोई नहा रहा था, यहाँ से जंप करता था और इधर निकलता था, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में जा नहीं पा रहा था, तो हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किए थे। वहाँ पर जाकर अटक गया था कहीं पर। ये वो जगह है वेस्ट वियर के नीचे उतरना, नहाना, तैरना कूदना सब मना लिखा है, फिर भी लोग नहाते हैं। तभी वो हादसा हुआ था। तब इसी को दिखाते हैं, बहुत खतरनाक डैम है वैसे ये, क्योंकि इसमें मगरमच्छ है और बहुत सारे कुछ और जीव जंतु है इसमें। तो अभी हम उस पुल पे हैं जो फुट ओवर ब्रिज है, ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ से पानी नीचे से जाता है, वो वाले पुल पे हैं। स्टील से बना हुआ है ये, काफ़ी मजबूत है, लेकिन जब ओवरफ्लो रहता है उस टाइम इसमें अलाउ नहीं रहता पार करने के लिए, नहाना तैरना वैरना इसमें अलाउ नहीं है। आते हैं खाली है तो। यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारे किस्से सुना रहे हैं भाई लोग अपने अपने, और YouTube और रील्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो रास्ता देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है यहाँ पे, देखो ये रास्ता जो दिख रहा है उधर एक और एक गेट है वहाँ पे जाके मिलता है, और यहाँ पे सब व्यू पॉइंट बने हुए हैं। ऊपर से आप देख सकते हो शायद मंदिर भी है शिव जी का, तो वहाँ दर्शन वगैरह कर सकते हो। तो ये व्यू पॉइंट है, खाना पीना मिलता है, झाल मुड़ी और भुट्टा उट्टा सब मिलता है यहाँ, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। देखो व्यूज यार, एक्चुअली भी पानी कम है यहाँ पे, बहुत कम है, न्यू है, अगर सितंबर में बहुत भर जाएगा। काट के सारे झाड़ वाड़, मैं उसको कीड़ा काटा है अभिषेक को, और देखो गाड़ी कैसे चढ़ा रहा है भाई। नहीं जाएगा भैया, नहीं जाएगा, पत्थर बहुत है। यहाँ से उतार लेना ऐसे, तो जाना नहीं जाने, चढ़ तो जाएगा। रिस्क 2% प्रॉफिट 10% क्या? चलो फर्स्ट गियर मोमेंटम, चले जाएगा यार, चले जाएगा। शानदार, राइट सफल हो गए भाई आज, एक नंबर। अभी एडवेंचर आया भाई इतने देर में, फाइनली। ऐसा आप लोग ना करें, एक्सपीरियंस राइडर इसलिए कर लिया भाई, पहले ही बताना पड़ता है ना। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, घर में तो होगा नहीं ऐसा। तो बिना हेलमेट और जैकेट के था जो मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था पहन के, लेकिन अभी ज्यादा दिक्कत है उतारने में। ऐसा ना करे भाई, क्योंकि सुबह से आज कुछ एडवेंचर नहीं हुआ था, तो हम लोग एडवेंचर करने के चक्कर में जो जो उसमें चढ़ा तो दिया, अब उतारे कैसे हो गया है। क्लच 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 दबा के मत रखना, अब हो जाएगा। हाँ बस अब हो जाएगा, ब्रेक 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 सही है, मोमेंटम बना बस। ये थोड़ा सा अच्छा ग्रिप है, नीचे उतर जाए, ऐसे करते हैं डर्ट बाइकिंग वाले। ऐसा मजा आ गया। यहाँ पे टायर
टायर बंद कर, वार्म अप चल रहा है, वार्म अप चल रहा है। तार लिए भाई, अच्छा मज़ा आ गया। ये बहुत बड़ा एडवेंचर था, इसमें ग्रिप अच्छा था ना तो बन गया, वो तो फिसलता अभी हिमालयन। ये था भाई खूटा घाट डैम, इसको हमने दिखाया, बहुत मस्ती किए, लास्ट में एडवेंचर भी किए और सब अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। कुछ लोग आगे चले गए थे, उन लोग जो खाना नहीं खाते उन लोग खाना खाएंगे। फिर मैं किसी से मिलना है यहाँ बिलासपुर में भैया लोग से, फिर मिलते हुए जाऊँगा रायपुर, रायपुर में रुकूँगा, कल फिर इसको लेके जाऊँगा गाड़ी को। चलो फिर बाय बाय, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये वीडियो है, अभी बैटरी भी नहीं है, 2% होगा। यही होता है अब रॉयल एनफील्ड की, जब बाइक लेते हो तो ट्यूबलेस टायर नहीं रहता है, ट्यूब वाली टायर रहती है। ये है स्क्रैम, अभी राइड करके आ रहा हूँ, अभी 105 किलोमीटर है रायपुर यहाँ से। और जब फ्लैट हो गया भाई, हाईवे में फ्लैट हो गया, ये चक्का देखो पीछे चक्का, मतलब फ्लैट हो गया। पंचर दुकान कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर? एक भाई है जो गया है देखने के लिए, आगे पंचर दुकान होगा तो पंप वगैरह ले जाएंगे, हवा डाल के मैं जाऊँ। भाई पंचर दुकान है इधर, पंचर दुकान है। तो भाई दिक्कत मेरे को बस यही था, इसका ट्यूबलेस टायर नहीं होता, ये ट्यूब टायर होता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। ट्यूबलेस रहता तो इतना नहीं चलता, मतलब हवा डाल के चला लेते, फंस गए ना। कि भाई देखने गए थे तो यहाँ पर भाई गाड़ी बन रही है, मतलब सेंटर स्टैंड भी नहीं है, मैं पकड़ा हुआ हूँ एक हाथ में, भैया बना रहे हैं इसको, हवा डाल रहे हैं, पंचर बन गया है और भाई भी पकड़े हुए हैं, टॉर्च दिखा रहे हैं। हालत खराब हो गई है मेरी, हालत देख सकते हो, पसीने पसीने खराब है, जो भैया बना रहे हैं गाड़ी खराब हो गई। वो कैसे बनाया वही जानेंगे हम लोग, तो गाड़ी को पकड़े हुए देखो इस तरह से झुका के, क्योंकि सेंटर स्टैंड नहीं है। तो मतलब ये है कि गाड़ी लो सब करो है ना, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस भी देखो है ना, मेंटेनेंस भी देखो। अच्छा खासा चल रहा था गाड़ी, लेकिन बीच में खराब हो गया, मौसम भी खराब हो रहा है। अब 7 बज चुके हैं, हम लोग सोचे 7 बजे तक तो एटलीस्ट रायपुर 31 टच कर देंगे, बट 1-1.5 घंटा तो यहीं लग गया यार। तो बहुत बुरा हुआ, स्क्रैम के साथ स्कैम हो गया। अब ये है कि गाड़ी मतलब अच्छी है, सब चीज़ अच्छा है, बट ट्यूबलेस टायर रहता है, पंचर वाला जो इशू नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारे और भी मेरे भैया लोग हैं, उन लोग लद्दाख वद्दाख गए तो हुआ था, तब का केस बता रहा हूँ मैं, बहुत दिक्कत हुआ था, 2-2 बार टायर चेंज किए थे, ट्यूब चेंज किए थे, और बीच बीच हाईवे में यमुना एक्सप्रेस में गाड़ी खराब हुआ था, इसलिए उन्होंने गाड़ी बेच ही दिया। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा है, एकदम परफेक्ट है ऑल रोड के लिए, बट वही पंचर वंचर इशू कभी हो जाता ना तो आप दिमाग का दही कर लोगे। और इसमें तो सेंटर स्टैंड भी नहीं दिया है स्क्रैम में, हिमालयन में तो रहता भी है, ये सब चीज़ें हैं। तो बस यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी बन गई, हवा डाल रहे हैं, जाते जाते देखते हैं और रास्ते में कुछ खराब ना है।